गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन टेक आउट योर जनरल नॉलेज वर्कबुक एंड ओपन योर वर्कबुक पेज नंबर 20 एंड लुक ऑन इट। जैसे कि देखो बच्चों, आपको जीके की आपकी वर्कबुक निकालनी है और उस जीके की वर्कबुक का पेज नंबर 20 निकालना है। एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अवर 10th लेसन एंड नेम ऑफ द लेसन इज ऑड वन आउट। जैसे कि हमारे लेसन का नाम क्या है, ऑड वन आउट। इसमें से ऑड वन आउट का मतलब होता है एक जो चीज़ है वह अलग है, वह आपको अलग निकालनी है। जैसे कि देखो, इन द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ पिक्चर्स वन पिक्चर इन ईच ग्रुप इज आउट ऑफ प्लेस, पुट अ क्रॉस एट द ऑड पिक्चर। जैसे कि देखो, यहाँ पर आपको एक पिक्चर का ग्रुप दिया है और उस पिक्चर के ग्रुप में एक जो पिक्चर है वो ऑड है। ऑड है मतलब उन चित्रों में से अलग चित्र है, वह उस समूह में नहीं बैठता है। वो वैसा चित्र आपको पहचानना है और उसको क्रॉस आउट की टिक मार्क लगानी है। जैसे कि देखो, फर्स्ट पिक्चर इज गिवन हियर, काउ, देन हॉर्स, देन हेन और गोट। इन दिस पिक्चर दिस थ्री आर एनिमल्स, विच इज दिस काउ, हॉर्स एंड गोट, एंड हेन इज बर्ड। सो बर्ड इज ऑड वन आउट, सो हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस आउट का साइन लगाएंगे, क्योंकि बाकी के जो ये तीन पिक्चर है वो एनिमल्स के है और हेन जो है वह क्या है, बर्ड है। इसीलिए आपको इस हेन को क्रॉस आउट का निशान लगाना है। ओके, देन सेकेंड नंबर पर आपको कुछ पिक्चर्स दिए हैं, बैट, बॉल, वो टेनिस वाली बैट और डिक्शनरी बुक दिया है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, एक पिक्चर इसमें से ऑड है, कौन सा है बच्चों, यस बुक है। बुक हम किसके लिए यूज करते हैं, स्टडी के लिए, और बाकी के जो ये प्लेइंग का जो मटेरियल है, बाकी का जो ये मटेरियल है वो हम प्लेइंग के लिए यूज करते हैं, खेलने के लिए आप यूज करते हो बैट बॉल, अरे टेनिस वाला जो बैट है वह हम खेलने के लिए यूज करते हैं, और बुक जो है वह हम पढ़ने के लिए यूज करते हैं। इसलिए यह इसमें ऑड है, इसलिए इसको आपको क्रॉस आउट का निशान लगाना है। नेक्स्ट देखो, थ्री नंबर पर आपको कुछ पिक्चर्स का ग्रुप दिया है, जैसे आइसक्रीम, बैग, देन आगे देखो बच्चों, कुल्फी का पिक्चर है और कैंडी। जैसे कि देखो, यह बाकी के सब जो चीज़ें है वह खाने की चीज़ें है, और बैग जो है वह बैग हम किस लिए यूज़ करते हैं, आपके जो बुक्स वगैरह होते हैं वह उसमें आप रखते हो, मतलब ये स्कूल का मटेरियल है, और बाकी की जो चीज़ें हैं वह खाने की है। इसलिए यहाँ पे देखो, यह जो है बैग वह इसमें ऑड है, इसलिए आपको इस बैग को क्रॉस आउट का निशान लगाना है। देन देखो बच्चों, फोर नंबर पे आपको कुछ पिक्चर्स का ग्रुप दिया है, जैसे ट्री, चेयर, टेबल और सोफ़ा। इनमें से आप देख सकते हो बाकी की जो चीज़ें हैं बच्चों, यह प्लास्टिक से बन सकती है, और बाकी की जो चीज़ें हैं वह आप बैठने के लिए और घर में यूज़ करते हो, लेकिन यह जो ये ट्री है, ट्री जो क्या है बच्चों, ट्री जो है वह लिविंग थिंग है, इसलिए बच्चों बाकी के जो है वह नॉन लिविंग थिंग है। इसलिए आपको इसमें अलग सा कौन सा है, और कौन सा है, और पिक्चर कौन सा है, ट्री का, इसलिए आपको ट्री के पिक्चर को यहाँ पर क्रॉस आउट का निशान लगाना है। बाद में देखो बच्चों, पाँचवें नंबर पर आपको कुछ फ्रूट्स के पिक्चर्स दिए हैं, पिक्चर्स का ग्रुप है, जैसे कस्टर्ड एप्पल है, बनाना, लीव और ग्रेप्स। अभी इनमें से आप देख सकते हो बच्चों, ग्रेप्स, बनाना और कस्टर्ड एप्पल ये क्या है, फ्रूट्स है, लेकिन यहाँ पर एक देखो लीव दिया है, यह इसमें अलग है, इसलिए आपको इस लीव के पिक्चर को क्या करना है, लीफ के पिक्चर को, सॉरी, अगर एक होता है तो हम उसे लीफ, LEAF लीफ कहते हैं, और अगर एक से ज़्यादा पत्ते होते हैं तो उसको LEAF लीव्स कहते हैं। ओके, सो यहाँ पर लीफ का पिक्चर है, LEAF लीफ, लीफ मीन्स क्या, पेड़ का पत्ता। यहाँ पर पेड़ का पत्ता जो है वह अलग है, इसलिए आपको इस पेड़ के पत्ते को क्रॉस आउट का निशान लगाना है। नेक्स्ट देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर टू दिया है, रीड द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, अंडरलाइन द ऑड वन इन ईच केस। देखो यहाँ पर आपको क्या किया है, कुछ वर्ड्स का ग्रुप दिया है, उसमें आपको अलग शब्द पहचानना है। जैसे एक करके दिया है, हेन, पैरोट, स्पैरो, काउ और क्रो। इनमें से काउ जो है वह एनिमल है, और बाकी के जो नेम है वह क्या है, बर्ड्स है। बाद में लोटस, गवा, रोज, लिली और सनफ्लावर,
इनमें से देखो बच्चों, लोटस, रोज, लिली और सनफ्लावर, ये फ्लावर्स है, लेकिन गवाह क्या है, फ्रूट का नाम नेम है, फ्रूट का नाम है, इसलिए आपको इस गवाह को अंडरलाइन करना है। देन देखो बच्चों, रिवर, सी, हाउस, लेक और पॉन्ड, इनमें से देखो लेक, पॉन्ड, सी और रिवर, ये क्या है, वाटर के सोर्सेस है, लेकिन हाउस जो है वो इसमें ऑड है, इसीलिए आपको क्या करना है बच्चों, इस हाउस वर्ड को आपको अंडरलाइन करना है। देन देखो, हाँ नेक्स्ट देखो बच्चों, आपको आगे दिया है वर्ड्स का ग्रुप, कॉपर, आयरन, सिल्वर, गोल्ड और ग्लास, इनमें के बाकी के जो देखो बच्चों, ग्लास छोड़कर बाकी के सब मेटल है, इसलिए इस ग्लास को आपको अंडरलाइन करना है। बाद में देखो, व्हीट, स्पून, राइस, शुगर और मिल्क, बाकी की जो चीज़ें हैं बच्चों ये खाने की चीज़ें हैं, और स्पून जो है वो इसमें अलग है, इसलिए आपको इसको अंडरलाइन करना है। बाद में 7 नंबर पर देखो, वर्ड्स का ग्रुप दिया है, ब्लेड, वॉच, लॉक, की और रैट, बाद में आप देख सकते हो बच्चों बाकी के जो देखो, ब्लेड, वॉच, लॉक और की नॉन लिविंग थिंग है, और रैट जो है वह लिविंग थिंग है, और यह सबसे अलग है, इसलिए आपको इस RAT रैट को अंडरलाइन करना है। ओके, देन ओपन योर वर्कबुक पेज नंबर 21, एंड स्टूडेंट्स लुक ऑन योर वर्कबुक पेज नंबर 21, और 11 नंबर लेसन एंड नेम ऑफ लेसन इज इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स। ओके, सो स्टूडेंट लुक जैसे कि देखो बच्चों, इंडोर गेम्स किसे कहते हैं और आउटडोर गेम्स किसे कहते हैं। जैसे कि देखो, द गेम्स विच आर प्लेड विद इन द फोर वॉल्स ऑफ अ रूम आर कॉल इंडोर गेम। जैसे कि देखो, इंडोर गेम किसे कहना है, जो चार दीवारों के बीच में गेम खेले जाते हैं उनको कहते हैं इंडोर गेम। और आउटडोर गेम किसे कहते हैं, देखो, द गेम्स विच आर प्ले ओनली इन एन ओपन स्पेस और ऑन अ प्ले ग्राउंड आर कॉल्ड आउटडोर गेम्स। और देखो, आउटडोर गेम किसे कहना है, जो गेम्स खुली जगह में या प्ले ग्राउंड पर खेले जाते हैं उन्हें कहना है आउटडोर गेम्स। जैसे कि देखो बच्चों, हमारे स्पोर्ट डे पे हमने बहुत सारे इंडोर और आउटडोर गेम यहाँ पर खेले थे, वैसे ही यहाँ पर देखो आपको कुछ इंडोर गेम्स के और आउटडोर गेम्स के पिक्चर दिए हैं, और उनके नीचे आपको उस गेम का नाम लिखना है। जैसे कि देखो, फर्स्ट गेम कौन सा है, चेस। देन सेकंड पिक्चर दिया है, यह कौन से गेम का पिक्चर है, स्नेक्स एंड लैडर्स। बाद में देखो, तीसरा पिक्चर है ड्रॉट्स, जिसे चेकर्स कहते हैं, यह गेम आपने खेला होगा, है ना। देन देखो, आपका फेवरेट गेम है यहाँ पर कैरम, ये कौन से गेम का पिक्चर है, कैरम। देन देखो, पांचवे नंबर का पिक्चर दिया है आपको, ये कौन सा गेम है, टेबल टेनिस। सो यहाँ पर आपको क्या करना है, टेबल टेनिस का स्पेलिंग लिखना है। यहाँ पर देखो, इस ब्रैकेट में आपको गेम्स के नाम दिए हुए हैं, लेकिन इसमें से सॉर्टिंग करके आपको जो करेक्ट गेम का नाम है वह यहाँ पर लिखना है। अभी लास्ट का गेम कौन सा है बच्चों, यस, प्लेइंग कार्ड्स। कौन सा है ये, प्लेइंग कार्ड्स। तो देखो बच्चों, यहाँ पर पेज नंबर 21 पर आपको कुछ इंडोर गेम दिए थे और कुछ आउटडोर गेम। देन ओपन योर वर्कबुक पेज नंबर 22। हाँ देखो बच्चों, पेज नंबर 22 पर भी आपको कुछ गेम के पिक्चर दिए हैं, ये कौन सा गेम है, टेनिस, और टेनिस का स्पेलिंग क्या है, TENIS, टेनिस। देन सेकंड पिक्चर इज गिवन हियर, यह कौन सा गेम है, यस, फुटबॉल, और फुटबॉल का स्पेलिंग क्या है, FOOTBALL, फुटबॉल। देन थर्ड पिक्चर इज गिवन हियर, हाँ देखो, यह कौन सा गेम है बच्चों, क्रिकेट, जो आप टीवी पे सबसे ज़्यादा गेम देखते हो और सबसे ज़्यादा आपको यह गेम पसंद है, कौन सा, क्रिकेट, और क्रिकेट का स्पेलिंग क्या है, CRICKET, क्रिकेट। देन स्टूडेंट्स ओपन योर वर्कबुक पेज नंबर 23, जैसे कि यहाँ पर आपको कुछ आउटडोर गेम्स दिए हैं, जैसे कि देखो कौन सा गेम है बच्चों, ये कबड्डी, हमारे स्पोर्ट डे में, हमारा जब स्कूल का जब स्पोर्ट डे था तब हमने कबड्डी गेम लिया था ना, यस। देन सेकंड पिक्चर इज गिवन ईयर, यह कौन सा गेम है, खो खो, कौन सा है, खो खो, और खो खो का स्पेलिंग KHO, खो खो। ओके, देन देखो हमारा नेशनल स्पोर्ट, नेशनल गेम कौन सा है, हमारा नेशनल गेम हॉकी, और हॉकी का स्पेलिंग HOCKEY, हॉकी, हॉकी का स्पेलिंग क्या है, HOCKEY, हॉकी। तो देखो बच्चों, इस लेसन में आज हमने कौन कौन से गेम देखे, इंडोर गेम और आउटडोर गेम, इस तरीके से आज हमने इंडोर गेम और आउटडोर गेम यह लेसन कंप्लीट किया है। अभी देखो, इस लेसन पर आधारित आगे आपको कुछ स्वाध्याय दिया है, जैसे कि देखो, देन ओपन योर वर्कबुक पेज नंबर 24, जैसे कि यहाँ पर देखो, टेस्ट योर जनरल नॉलेज,
अब तक आपने जो लेसन देखे थे उस लेसन पर आधारित यहाँ पर आपको जनरल नॉलेज पर कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। जैसे कि देखो, मिल्क कैसे, कौन से कलर का होता है? व्हाइट। कोल इज ब्लैक। कोयला कौन से कलर का होता है? ब्लैक कलर का। अब पैरट्स बीक इज रेड। पैरट्स की जो चोच होती है वो कौन से रंग की होती है? रेड कलर की होती है। ग्रास इज, अभी घास का कलर कौन सा होता है? ग्रीन। वेरी गुड। और ग्रीन का स्पेलिंग GREEN, ग्रीन। द स्काई इज, स्काई कौन से कलर का होता है? ब्लू। वेरी गुड। चॉकलेट इज, अभी चॉकलेट कैसे होती है? स्वीट। और स्वीट का स्पेलिंग SWEET, स्वीट। देन सेवन नंबर का सेंटेंस दिया है आपको, सेवन नंबर का क्वेश्चन, नेम द थ्री बेसिक कलर्स। सो स्टूडेंट्स देखो, नेम द थ्री बेसिक कलर्स, विच आर दीज? फर्स्ट वन इज रेड, सेकेंड वन इज येलो एंड थर्ड वन इज ब्लू। देन एट नंबर का आपको क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हो, नेम द कलर्स ऑफ अ रेनबो। हाउ मेनी कलर्स इन अ रेनबो? यस, देयर आर सेवन कलर्स इन रेनबो। विच आर दीज? फर्स्ट वन इज रेड, सेकेंड वन इज येलो, थर्ड वन इज ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। दीज आर सेवन कलर्स इन अ रेनबो। अभी यहाँ पर देखो बच्चों, हमारा जो लेसन था कौन सा? इंडोर गेम एंड आउटडोर गेम्स, यह लेसन हमने यहाँ पे पूरा किया। और उस लेसन की जो एक्सरसाइज थी वह भी हमने यहाँ पर छुड़ा के ली है। और आपको यहाँ पर पेज नंबर 24 पर कुछ टेस्ट योर जनरल नॉलेज, आपकी जनरल नॉलेज के लिए, जनरल नॉलेज जो है वह आपका फिट है कि नहीं, इसलिए यहाँ पर एक टेस्ट दी थी, वह भी हमने यहाँ पर छुड़ा के ली है। तो आपको आपके वर्कबुक में यह क्वेश्चन अच्छे से छुड़ाने हैं। थैंक यू।